बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन है, इफ वाई वेरीज जैंटली एज एक्स एंड जेड एंड वाई इज इक्वल टू 33 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 9 एंड जेड इज इक्वल टू 12, फाइंड वाई व्हेन एक्स इज इक्वल टू 16 एंड जेड इज इक्वल टू 22। सबसे पहले हमारे पास गिवन है कि वाई वेरीज है जैंटली एक्स और जेड के, सो वाई इज वेरीज एक्स एंड जेड। सो प्रोपोर्शनलिटी को हम इक्वलिटी साइन में चेंज कर लेंगे और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के लगा लेंगे और एक्स एंड जेड। हम के की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो दोनों साइड को एक्स जेड से डिवाइड कर लेंगे। सो वाई बाई एक्स जेड बराबर हो जाएगा के। अब हमारे पास वैल्यूज गिवन है कि वाई 33 के बराबर है, एक्स 9 के और जेड 12 के। ये वैल्यूज हम लगाते हैं। सो k इज इक्वल टू वाई है 33 बाई एक्स इंटू जेड, एक्स है 9 इंटू जेड, जेड है 12। दिस इज इक्वल टू 33 बाई 12, 9 are 108। थ्री से डिवाइड करते हैं तो 3 11 are 33 और 36 are 108 आता है। ये भी 3 से 11 और ये से 36 आता है। तो k की वैल्यूज हो गई 11 by 36। अब हमें y फाइंड करना है। अगर x 16 के बराबर हो और z 22 के बराबर हो, ये वैल्यूज मैं लगाता हूँ। सो रिलेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू k एक्स जेड, जो कि हमने पहले लिखा दिया था। सो वाई इज इक्वल टू के है 11 by 36 इंटू एक्स, एक्स है 16 इंटू जेड, जेड है 22। 11, 16 और 22 को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया तो इससे आता है 3872 और 36। अब मैं इसको 36 से डिवाइड करता हूँ। सो ये दोनों 4 से काटते हैं एक दूसरे के साथ, 4 9 are 36, 2 आ जाएगा 27 हो जाएगा, 4 6 are 24, 3 आ जाएगा ये 32 हो जाएगा, 4 8 are 32 और 4 9 are 36। सो y का आंसर हो गया y इज इक्वल टू 968 बाई 9 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।